नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज आप भी उतने ही खुश होंगे जितना मैं हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। यह पहला वक्त था जब रमजान के महीने में हिंदुस्तान जाग रहा था और पाकिस्तान सो रहा था, क्योंकि भारत को पता चल चुका था कि इस बार सुनामी साइक्लोन में बदलने वाला है। पाकिस्तान की लंगोटी जमात इसलिए सो रही थी कि इसके बाद 5 साल तक इनके पिछवाड़े से लंगोटी उठा दी जाएगी। यानी रमजान का यह महीना पाकिस्तान के लिए दुआ नहीं दवा लेकर आया है। अब पिटाई करने की वेब प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, जिसका 40 दिन पहले इंटरवल कर दिया गया था। बड़ी बात यह है कि इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम के वरिष्ठ महमूद हसन बुलंदशहरी के आदेश पर कुछ लोग आज 23 मई में देश भर में दुआ कर रहे थे। यानी कि यह पाकिस्तान की उस इच्छा के लिए औंधे मुंह हो रहे थे जिसके लिए पाकिस्तान रात भर सोया है। पर अब पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, सुनामो आ चुका है, वह भी साइक्लोन बनकर। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिसके कदमों में दुनिया के नेता शीश झुकाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का वो महारथी जिसे पाकिस्तान की 4 गुना जनसंख्या से ज्यादा लोगों ने चुना है, भारत के इतिहास का वो महान नेता जिसकी प्रत्येक सांस पर अपने देश के लिए समर्पण त्याग की प्रकाष्ठा अंकित है, पाकिस्तान शाम को इफ्तार करके मोदी की हार की दुआ करके और पिछवाड़ा बजा के सो गया था। पर सुबह 10 बजे जब पाक मीडिया ने भारत की चुनावी मतगणना पर प्रोग्राम शुरू किया, उसमें भारत विरोध परिलक्षित हो रहा था। मतलब इस देश को लगता था दारुल उलूम की दुआ जरूर काम करेगी, लेकिन दोपहर होते होते जब पाक मीडिया को लगा कि सुनामी साइक्लोन में बदल चुका है और पाकिस्तान प्रस्तों के पिछवाड़े पर जोरदार लात पड़ चुकी है, तो फिर मोदी गुणगान हिंदुवाद में बदल गया। 2014 में एनडीए को 336 सीट मिली थी, पर इस बार यह मोदी लहर सुनामी में बदल गई और 2019 में आंकड़ा 345 से ऊपर तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि भाजपा अपने बल पर सरकार बनाने की स्थिति में है और अकेले भाजपा 300 के आसपास सीटें जीतने की ओर पहुंच रही है। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाने में मुस्लिम समुदाय का 0% भी योगदान नहीं है। यह सभी लोग तो इस सरकार के ना आने के लिए दुआ कर रहे थे। इनमें से अधिकतर वे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग और सबूत गैंग का हिस्सा है। इन सभी लोगों को राष्ट्रवाद ने वो तमाचा मारा है जिसकी टीस इन्हें 5 साल तक पिछवाड़े तक करंट देती रहेगी। भारतीय सेना के पराक्रम के सबूत मांगने वाला सबूत गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग को राष्ट्रवाद ने बता दिया है कि देश के सम्मान के आगे उनकी खिचड़ी नहीं पकने वाली है। ऐसे लोग पैड मीडिया पर कुछ दिन तक वाही वाही बटोर सकते हैं, पर भारतीय जनता उनके लिए कील लगे जूते पहनकर चलना सीख चुकी है। यह सरकार हिंदू, सिख और बौद्ध के वोट से बनी है। 1 लाख में मुश्किल से 10 मुसलमान मिलेंगे जिसने इस सरकार को वोट दिया होगा। यह अपने देश से प्रेम करने वालों की सरकार है, राष्ट्रवादियों की सरकार है। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों और पाक में पत्ता खड़कने पर हिंदुस्तान में अपने तहमत फाट डालने वालों की इस सरकार में कोई जगह नहीं है, ना इस सरकार में उनका कोई योगदान है। वैसे ऐसे लोगों के वोट की इस सरकार को ना उम्मीद रहती है और ना उनकी जरूरत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय हिंद, वंदे मातरम।